Hello friends Welcome to my channel. today we are going to continue the series of British literature and our today's topic is Thomas Hawkley I be videos. जॉन गोवर पे वाइकलिफ पे मैंडेवली पे ऐज ऑफ़ चौसर के जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं सब पर वीडियोस बना रही हूँ तो प्लीज़ सीरीज़ को स्किप मत कीजिए आप इन्हें देखते रहिए और अभी तक आपने पहले बनाई हुई वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सो यू कैन चेक दैट वीडियो सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ थॉमस हॉकलिव हिज नेम डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ हिज विलेज जो हॉकलिव हैं इनका जो नेम है इनके विलेज के नाम पर रखा गया है एक्चुअली इन, इनके विलेज का नाम भी हॉकलिव था ही वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड क्लर्क हु हैज़ बीन सीन एज अ की फिगर इन फिफ्टीन सेंचुरी मिडल इंग्लिश पीरियड हिज फर्स्ट पोइम द लेटर टू क्यूप रिटर्न इन फोर्टीन जीरो टू It was probably the earliest precisely datable poem in the English language. Ye jo work tha in ka, ye sab earliest precisely dateable, uh, poem thi in English language mein. This work is a translation of French language. Uh, that is, uh, the work name is L'Epistre au Dieu the Amus of Christine de Pisan. फ्रेंच वर्क ये था एंड इसका ट्रांसलेशन द लेटर ऑफ क्यूपिड था द लेटर टू क्यूपिड सॉरी द पोईम डिफेंस वेमेन अगेंस्ट एंटी फीमेल्स अटायर एंड अटैक्स बाय मैन जो पोइम है वमेंस को डिफेंड कर रही है एंड मैंस पर अटैक कर रही है सो इसमें लेडीज़ की साइड फीमेल्स की साइड ली हुई है हॉकलीव ने एंड मैंस पर अटैक हो रहा है His next work is his most fluid and lively poem La Mele Regle written in 1406. This work presents a vivid picture of delights of bachelor's evening, amusement in the crevice and cookshop of Westminster. This work hai, La Mele Regle a very important work. Hai. एंड इसमें जो बैचलर है उसके अम्यूजमेंट्स को दिखा रखा है कि वो क्या करता है उस इवनिंग में वो सब चीज़ें दिखा रखी है वेस्ट मिनिस्टर में हिज नेक्स्ट वर्क इज दिस इज अ मेजर पोइटिक वर्क दैट इज द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसमें से नेट में कई क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं सो यू शुड गो थ्रू विद दिस वर्क हिज नेक्स्ट वर्क द चेंज सैंक इन टू माई हार्ट रूट वॉज वॉज वन ऑफ द होकलिव कम्पलेंट इसे हॉकलिव की कम्पलेंट कहा जाता है ये जो वर्क है वो हॉकलिव की कंप्लेंट है इसी के साथ थॉमस हॉक्लिव के मेजर वर्कस ख़त्म होते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन वीडियोज यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन ताकि आगे आने वाली वीडियोस में सुधार हो सके थैंक यू